हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल की लस्सी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल की लस्सी की कहानी। शांतिपुर नाम के गांव में नैना नाम की एक लड़की रहती थी। फिर एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसके पिताजी की मौत हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद नैना अपने गुजारे के लिए एक छोटी सी दुकान खोल लेती है और लस्सी बनाकर बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे नैना की बनाई हुई लस्सी लोगों को पसंद आने लगती है और उसकी दुकान चल पड़ती है। लेकिन वही पास में एक रेस्टोरेंट था। नैना की तरक्की देखकर उस रेस्टोरेंट के मालिक को बहुत जलन होती है। अरे, इस लड़की की दुकान पर तो सारे दिन लोगों की भीड़ लगी रहती है। इस तरह तो ये धीरे धीरे अमीर बन जाएगी और एक दिन मेरी तरह रेस्टोरेंट भी खोल लेगी। मुझे इसे यहाँ से भगा देना होगा। अगले दिन गज्जू नैना की दुकान पर पहुँच जाता है और कहता है, सुनो लड़की, मुझे तुम्हारा यहाँ इस तरह लस्सी बेचना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? मैं तो सिर्फ लस्सी बेचती हूँ। आपके रेस्टोरेंट में तो खाने पीने की सभी चीजें मिलती हैं। फिर मेरी छोटी सी दुकान से आपका क्या नुकसान हुआ? देखो, मैं कुछ नहीं जानता। तुम अपनी दुकान बंद कर यहाँ से चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हो। लेकिन नैना पर गज्जू की धमकी का कोई असर नहीं होता और वो लस्सी बेचना जारी रखती है। फिर एक रात मौका पाकर गज्जू नैना की दुकान में आग लगा देता है और नैना की दुकान जलकर राख हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मैंने इतनी मेहनत से दुकान खोली थी, अब मैं क्या करूंगी? इतना कहकर नैना जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ गुजर रही कोकिला चुड़ैल की नजर नैना पर पड़ती है। सुनो बेटी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं सब जानती हूँ, ये सब उस रेस्टोरेंट वाले गज्जू ने किया है। लेकिन तुम फिकर मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर चुड़ैल जंगल से ढेर सारी लकड़ियाँ लाकर नैना के लिए एक नई दुकान बना देती है। उसके बाद कोकिला चुड़ैल नैना को एक बड़े बर्तन में बहुत सारी जादुई लस्सी बनाकर देती है। आज से तुम मेरी बनाई हुई लस्सी बेचना शुरू करो। ये जादुई लस्सी है और ये कभी खत्म नहीं होगी। अगले दिन से नैना कोकिला चुड़ैल की बनाई हुई लस्सी बेचना शुरू कर देती है। लोगों को वो लस्सी बहुत पसंद आती है और लंबी लाइन लगाकर नैना से लस्सी खरीदना शुरू कर देते हैं। ये देख गज्जू आग बबूला हो जाता है। अरे, अभी कल ही तो मैंने इसकी दुकान जलाई थी और इसने एक दिन में ही नई दुकान खड़ी कर ली। इसे यहाँ से भगाने के लिए मुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। फिर रात को जब नैना दुकान बंद करके घर चली जाती है, तब गज्जू चोरी से उसकी दुकान में घुसकर वहाँ रखी सारे लस्सी के बर्तन में जहरीली दवाई मिला देता है। लेकिन वहाँ कोकिला चुड़ैल की बनाई हुई जादुई लस्सी थी, उस पर उस जहर का कोई असर नहीं होता। और अगले दिन फिर से लस्सी बेचकर नैना खूब सारे पैसे कमा लेती है। अरे ये क्या हो गया, मेरे जहर का लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। बस बहुत हो गया, मैं अभी जाकर उसकी दुकान तोड़ देता हूँ और उस लड़की की चोटी पकड़कर उसे यहाँ से भगा दूंगा। इतना कहकर गज्जू एक बड़ा सा डंडा उठा लेता है और नैना की दुकान के पास पहुँच जाता है। लेकिन तभी कोकिला चुड़ैल गज्जू की गर्दन पकड़कर हवा में उठा लेती है। पिछली बार तूने इस बेचारी लड़की की दुकान जलाई थी और आज तू इसे मारने आ गया है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ।
कोकिला चुड़ैल गज्जू के रेस्टोरेंट का सारा सामान गायब कर देती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया, सामान कहाँ गया मेरा? आज के बाद तू रेस्टोरेंट नहीं चला पाएगा, ये तेरी सजा है। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर रेस्टोरेंट बंद हो गया तो मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा, प्लीज नैना मुझे माफ कर। गज्जू को इस तरह गिड़गिड़ाते देख नैना को उस पर दया आ जाती है और वो चुड़ैल से कहकर उसका सारा सामान वापस दिलवा देती है। उसके बाद से गज्जू पूरी तरह सुधर जाता है और नैना को कभी परेशान नहीं करता। नैना कोकिला चुड़ैल की जादुई लस्सी से खूब पैसे कमाती है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल की लस्सी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।